ये जो क्लैंप है ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, ये देखिए मेरा फॉग लाइट का क्लैंप ब्रेक हो गया। दूसरा मैं दिखा दूँ, मेरा जो इंजन गार्ड है ये देखिए यहाँ से नट निकल गया है, बड़ा आवाज़ कर रहा था ये। हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी KTM एडवेंचर 390 के बारे में। मैंने अभी लास्ट लॉन्ग राइड की है लखनऊ तक, दिल्ली से लखनऊ, और मोर देन 1000 या 1100-1200 किलोमीटर मैंने बाइक राइड की है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने 4-5 साल डोमिनार चलाई है, 65,000 किलोमीटर मैंने डोमिनार चलाई है, और उसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक कमी के कारण मैंने उसको सेल कर दिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा कम्फर्ट इशू कम था, बस इस वजह से मैंने अपने डोमी को बेच दिया था। तो एडवेंचर का काफ़ी मैंने सुना था कि काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है और काफ़ी पावर है, और ये इसका मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। तो कंपैरिजन लो टॉर्क का बहुत ही ज़्यादा है, इसमें लो टॉर्क की में बहुत ही दिक्कत आती है, बार बार नॉकिंग करने लग जाती है, हर बार फटाफट आपको गियर चेंज करना पड़ता है। दूसरा, डोमिनार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अलावा वाइब्रेशन तो भाई दोनों में ही है, वाइब्रेशन इसमें भी है उसमें भी है। दूसरा, वाइब्रेशन की वजह से मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई, एक तो ये देखिए ये इसका ये जो क्लैंप है ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, ये देखिए मेरा फॉग लाइट का क्लैंप ब्रेक हो गया। दूसरा मैं दिखा दूँ, मेरा जो इंजन गार्ड है ये देखिए यहाँ से नट निकल गया है, बड़ा आवाज़ कर रहा था ये पता नहीं क्यों, वाइब्रेशन के कारण काफ़ी ये पार्ट्स इसके लूज़ हो जाते हैं, और ये भी लूज़ हो गया थोड़ा, ये भी आवाज़ कर रहा था यहाँ। और तीसरा, ये जो वाइज़र है बहुत ही छोटा है, इससे विंड ब्लास्ट रोकना बड़ा भी मुश्किल है। विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ लगता है 115 के ऊपर, तो ऐसे मुंह पे हवा के थपेड़े लगते हैं कि बंदा हिल जाता है। तो मैं जो स्पीड से आया था लगभग 130-135 नॉर्मली स्पीड से आया था, तो बहुत ही विंड ब्लास्ट लगा मुझे। तो कुल मिला के अभी तक तो मेरा यही रिव्यू है इस बाइक के बारे में। बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है, और हायर एंड पे भी बहुत ही शानदार है, और जितना मर्ज़ी आप भगा लो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बस लो एंड में बहुत पंगा है इसका, और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सीट कंफर्टेबल नहीं है, बहुत हार्ड सीट है। मैंने 7-8 आवर्स लगातार राइड करी है, और पिछवाड़ा बिल्कुल दर्द करने लग गया था। तो अगर मुझे लॉन्ग टूरिंग करनी है तो मुझे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, जैसे सीट को मुझे मॉडिफाई कराना पड़ेगा थोड़ा कम्फर्ट लेवल के हिसाब से, और मुझे जो इंजन गार्ड है वो भी आई थिंक मुझे चेंज करा लेना चाहिए। इसके अलावा तो जो लो एंड टॉर्क के लिए मैं एक फ्यूल एक्स आता है तो उसको ट्राई करूँगा फ्यूल एक्स लगाने में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी फ्यूल एक्स के बारे में आएगी, उसको मैं अभी बाई करने की सोच रहा हूँ, उसको मैं फ़िट करवाता हूँ। तो कहते हैं कि काफ़ी डिफरेंस हो जाता है लो एंड और इसकी पूरी परफॉर्मेंस में बाइक में, तो वो भी करके देखते हैं। तो हर कुछ ताम दाम दंड वेट सब करके देखेंगे अपनी बाइक को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए। तो छोटा सा रिव्यू था आज के वीडियो में, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, और कुछ भी आपकी क्वारी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।